नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज यूट्यूब चैनल पर। महाराष्ट्र की सियासी राजनीति को लेकर बड़ी अपडेट और जानकारी आ रही है सामने, जहां एक तरफ महाराष्ट्र के पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के द्वारा की गई गृह मंत्री अमित शाह के साथ में बड़ी बैठक के बाद में अब स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही। आज शाम तक महाराष्ट्र के अंदर सीएम चेहरे को लेकर घोषणा हो सकती है, लेकिन गुप्त जानकारी जो सामने आ रही है उसके मुताबिक देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के अंदर सीएम बनाया जा सकता है, जिसके चलते उद्धव गुट के खेमे के अंदर बड़ी हड़कंप मची हुई। एकनाथ शिंदे के द्वारा दावा किया जा रहा है कि शिवसेना पार्टी को वापस थामने की तैयारी में उद्धव गुट के कई बड़े दिग्गज नेता, जिसके चलते एमबीए गठबंधन को तगड़ा और भारी झटका लग सकता है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की सियासी राजनीति के अंदर किंग मेकर साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जिस प्रकार संजय राउत के द्वारा दावे किए जा रहे थे विधानसभा चुनाव से पहले कि इस बार एमवीए की सरकार बनेगी, महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी पार्टी को नकार देगी, लेकिन एकनाथ शिंदे और फडणवीस के खेला और ऑपरेशन के बाद में महाराष्ट्र के अंदर फिर से बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी की ओर से सरकार बनाई जा रही है महाराष्ट्र के अंदर, जिसके चलते संजय राउत के भी बयान अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि अब स्थिति साफ नजर आती हुई दिखाई दे रही है कि महाराष्ट्र के अंदर एमवीए के भी कई बड़े नेता जल्द शिवसेना पार्टी या बीजेपी पार्टी के अंदर शामिल हो सकते हैं, यानी कि महाराष्ट्र की सियासी राजनीति के अंदर एक और बड़ा भूचाल होगा। सीएम पद की शपथ से पहले महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे और एनसीपी गुट के अंदर बड़े झटके लगने की तैयारी में, एक तरफ अजीत पवार जो एनसीपी के दिग्गज नेता थे उन्होंने पहले ही पार्टी को छोड़कर एकनाथ शिंदे और बीजेपी पार्टी को अपना समर्थन दे दिया था, जिसके चलते एनसीपी पार्टी भी पूरी तरीके से टूट चुकी थी। शिवसेना पार्टी भी टूटने के बाद में उद्धव ठाकरे लगातार जनसंपर्क भी कर रहे थे और बीजेपी पार्टी की और हिंदुत्व को लेकर जो बयानबाजी कर रहे थे वो नाकाम होती हुई नज़र आई, और अब एक तरफ से ये दावे भी किए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर हो रहे इस उलटफेर के बाद में जल्द सियासी राजनीति के अंदर बड़ा उलटफेर होगा और देवेंद्र फडणवीस को लेकर बीजेपी पार्टी और एकनाथ शिंदे जल्द मोहर भी लगा सकती है, जिसके चलते कई बड़ी दौर होने तैयारी में। आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। जय हिंद।